दोस्तों, नींबू के पौधे में एक ख़ास तरह की बीमारी लग रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी स्प्रे करूं। अगर आपके पास इसका कोई इलाज है या कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे बताएं। इससे पहली दफ़ा भी थोड़ी सी बीमारी लगी थी मेरे पौधों को, तो मैं थोड़ा सा इसके सिम्टम बता देता हूँ आपको कि क्या क्या दिक्कत है इसमें। मैं मेटासिस्टॉक की स्प्रे भी की है इसमें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो डिपेंड करेगा। पिछली बार भी मुझे एक पौधा उखाड़ना पड़ा था ताकि बीमारी किसी और पौधे में ना फैले। सिम्टम आप देख लो, ब्लैक कलर के पत्तों के ऊपर ब्लैक कलर की राख थोड़ी सी बिखरी हुई है, ये देखिए। या तो किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या कोई फंगल हो सकता है, ये देखिए पौधे में। अगर आपके पास कोई सुझाव है या आपको पता है कि ये कौन सी बीमारी है तो मुझे ज़रूर बताएं, और कौन सी दवाई का उपयोग करना है वो भी। दो ये दूसरे पौधे में भी लग गई है, ये देखिए। ब्लैक कलर का स्पॉट आ रहा है इसमें पत्तियों के ऊपर, और तने में भी है। ऐसा नहीं है कि पत्तियों के ऊपर ही है, तने के ऊपर भी आप देख सकते हैं, बीच बीच में है। लेकिन मज़े की बात इसमें यह है कि जब भी ये जो ब्लैक स्पॉट है इसको किसी चीज़ से हटाएं तो ये यहाँ से हट जाता है, ये देखिए हट गया। लेकिन बीमारी कौन सी है मुझे पता नहीं लग रहा है इसका। और सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन हुआ है या पौधे को बीमारी लगी है वो इस पौधे में है, ये देख लीजिए आप। बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है इस पौधे के ऊपर, और ये देखिए तने के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हो चुका है। आशा करता हूँ आपके पास इसका सुझाव ज़रूर होगा, अगर है तो प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए, नहीं तो मुझे कहीं और से भी पता करना पड़ेगा। अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर मुझे इसकी जानकारी मिलती है पहले तो मैं आपसे ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा कि बीमारी कौन सी है, ताकि दूसरे भी अगर किसी और के पौधे में ऐसी बीमारी लगी है तो उसका बचाव कर सके। आशा करता हूँ कि आप मुझे सुझाव ज़रूर देंगे और बीमारी का इलाज बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।